तो कैसे आप लोग लोग व्हाट्सअप गाइस कैसे हो सभी, फिर से तुम अपने न्यू वीडियो के साथ। तो यार भाई लोग, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसी 5 टिप्स के ऊपर जिनका आप इस्तेमाल करके एकदम बहुत ही अलग मोमेंट ऑफ स्पीड दिखा सकते हो, यानी कि प्रो जैसी मोमेंट ऑफ स्पीड और प्रो जैसा सब कुछ दिखा सकते हो। यानी कि जैसे प्रो जैसे मोमेंट, मतलब जो प्रो बंदे मोमेंट ऑफ स्पीड दिखाते हैं, और वो जो प्रो बंदे कैसे मतलब ऊपर से कूद जाते हैं बिना डैमेज खाए, और बहुत ज़्यादा कुछ जो प्रो बंदे करते हैं वैसा कुछ कैसे कर सकते हो, बस उसी के बारे में बात करने वाले। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो चलो यार वीडियो को मतलब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं यार, और बिना टाइम वेस्ट किए अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और पुराने हो तो भाई लोग यार देख सकते हो, तो पुराने तो लाइक कर देना। तो यार पहली टिप यही है कि आप अगर ऊपर से कूदते हो यार किसी भी हाइट जगह से, चाहे वो क्लॉक टावर पे चाहे किधर भी हो, क्लॉक टावर पे शायद है नहीं पत्थर जैसा कुछ, बट अभी आप पीक की बात करें या फिर कहीं की बात करें तो आप कूदते हो स्लोप जैसा कुछ रहता है, तो स्लोप से आप नीचे आते हो, आते वक्त ऑब्जर्वेटरी ग्रेवयार्ड वहाँ पर आपको डैमेज बहुत मिलता है। तो अगर आप गाइस गन लेके नीचे आते हो तो आपको डैमेज मिलने की जो चांस होते हैं, मिलने के चांस वो 99% कम हो जाते हैं, समझ रहे हो आप, बहुत ज़्यादा कम। और ये बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, क्योंकि आपके सामने अगर नीचे अचानक से बंदा भी कोई आ जाता है तो आपको गन निकालने की जरूरत नहीं, बस सीधा एम फायर करने की जरूरत पड़ेगी, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप इस्तेमाल करके बहुत अच्छा कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते अपनी अगली ट्रिक की तरफ, यानी कि अगली टिप्स की तरफ। तो बहुत बंदों को ये वाली टिप जो है वो पता है, और बहुत बंदों को नहीं भी पता है, तो प्लीज़ अगर पता है यार तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो यार कमेंट मत करना, ओके, नेगेटिव कमेंट मत करना जिसको पता है, ओके। तो यार देख सकते हो यहाँ पर आप जैसे डबल डोर में कभी भी आप अगर रश करते हो, मतलब आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हो, सोलो वर्सेस डुओ खेलते हो, आपका टीममेट मर चुका है, कुछ भी ऐसा होता है, आप वैसा कुछ खेलते हो, तो यार जैसा कि आपको पता है कि अगर आपका टीममेट मर गया है ऐसा आपको लग रहा है, और आपके पीछे चार चार बंदे रश कर रहे हैं या दो दो बंदे रश कर रहे हैं, तो आपको उस हिसाब में करना क्या है, किसी डबल डोर में घर या फिर मल्टी विंडो में आ जाना है, मतलब जैसे आने के बाद, और यहाँ पर सीढ़ियों पे आप ग्लू वॉल लगा देते हो, जैसे नीचे आता है कोई ग्लू वॉल का एक्सट्रैक्शन गलत कर देते हो, और नीचे आने के बाद वो बंदा आके फोड़ देता है, तो वो करना क्या होता है, पहले आपको यहाँ पर आप ग्लू वॉल लगानी है। यार ग्लू वॉल मेरे से लग नहीं रही थी यहाँ पर, पता नहीं मैं क्या कर रहा था, बट मैं ट्राई करता हूँ यहाँ ग्लू लगाने का। तो यहाँ पर एकदम से आ जा रही थी सामने, आपको एकदम मिडिल में ग्लू लगाना है, वरना फिर वो नीचे चली जाएगी तो फिर हो नहीं पाएगा सही से। यहाँ पर आपको, हाँ बस इतने पे सही है, तो यहाँ पर आपको ग्लू वॉल को लगा देना है, और यहाँ पर अच्छे से कूदना है उसके ऊपर, आप उस तरफ मत चले जाना वरना ग्लू वॉल भी आपकी वेस्ट हो जाएगी, सब पूरा वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर इसके ऊपर से आसानी से ग्लू वॉल को आपको एक्सट्रैक्ट कर देना है, लगा देना है, जो भी आप बोलो, यहाँ पर आपको अच्छे से लगा देना है, बस किसी के ऊपर लगाना है, नीचे नहीं लगाना है, आपको कूद के निकल जाना है ताकि वहाँ ना फूट जाए, और फिर उसके बाद ये ग्लू वॉल को फोड़ देना है गाइस, ये तीन गोलियों में फूट जाएगी शायद एमटीवी से। और यहाँ पर देख सकते हो ग्लू वॉल एकदम हवा में है, समझ रहे हो आप, बंदा अगर नीचे से फोड़ेगा भी तो ग्लू वॉल फूटेगी नहीं, और अगर आएगा तो ब्लास्ट भी हो जाएगा, उसको अच्छा खासा डैमेज मिलेगा, और आप छुपके मार देना, ऐसा आप कर सकते हो, बहुत ही अलग लेवल की स्ट्रैटेजी है, इसको आप अपना सकते हो। और आप जैसे भी मैं आपको दिखाता हूँ, ओ भाई इसका चेहरा देखे तो आगे झुक गया था यार, मैं क्लासिक में ट्राई कर रहा हूँ यार, आप रैंक भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो यार देख सकते हो यहाँ पर जैसे मैं उछला ऊपर तो ग्लू वॉल फूटी नहीं गाइस, ग्लू वॉल बता रहा हूँ, लैंडमाइन तो फूटी नहीं, आप अगर बैठ के भी जाते तो आपको अच्छा खासा डैमेज मिल जाएगा, 145 का डैमेज मुझे मिल चुका है, जबकि मेरी वेस्ट भी लेवल 3 की थी शायद, अच्छा खासा डैमेज मिल चुका है, बहुत अच्छा डैमेज मिल चुका है, और आप बंदे को मार सकते हो। तो चलो यार बढ़ते अपनी अगली टिप्स की तरफ, जो हमारी थर्ड नंबर टिप्स है वो है भाई वुकोंग की स्किल्स के ऊपर। जैसा कि बहुत बंदों के पास आलोक नहीं होता, तो यार आपको एक बात मैं बता देता हूँ, स्किल्स मैटर करती हैं, ये सब आलोक एबिलिटी नहीं मानते हैं, मैटर करती है, बट इतना नहीं यार। आप देख सकते हो मैं कैसे उड़ रहा हूँ हवा में, ये भी ये बहुत लोगों को पता है, बट बहुत ही यूनिक ट्रिक है, वुकोंग की एबिलिटी के साथ साथ मैं हवा में उड़ रहा था, बस आपको करना है क्या, जिपलाइन का बटन और वुकोंग का बटन साथ में दबाना है, वुकोंग की एबिलिटी का, फिर आप एकदम आसानी से बहुत ही अलग लेवल आपको देखने को मिल जाएगा, और वहाँ पर आप बंदों को चकमा देके निकल सकते हो अगर आपके पीछे बंदे पड़े हैं, और वो भाई एम ही नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो फुल कंट्रोल हो जाता है, और फुल कंट्रोल पे भाई रेड डॉट आएगा ही नहीं, देख लेना आप, फुल कंट्रोल पे आता है बट उस पर वुकोंग की एबिलिटी पे रेड डॉट नहीं आता है, समझ रहे हो आप। तो इसका इस्तेमाल आप एकदम करके बहुत ही अच्छा सा यूनिक सा काम कर सकते हो यार, मतलब बहुत ही यूनिक एबिलिटी दिखा सकते हो अपने दोस्तों को, बहुत लोग को। तो यार चलो बढ़ते अपनी अगली टिप्स की तरफ, तो यार हमारी जो अगली टिप्स है वो भी कुछ वुकोंग की एबिलिटी से रिलेटेड ही है। जैसा कि बहुत लोगों को पता है कि वुकोंग की एबिलिटी यार बहुत ही यूनिक मानी जाती है, इस लोएस्ट कैरेक्टर में जो मतलब बहुत ही कम डायमंड में जो कैरेक्टर मिलते हैं या फिर गोल्ड में मिलते हैं उसमें वुकोंग सबसे बेस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों चीज़ को साथ में यूज़ करना और फिर उसके बाद कूद जाना, आप देख सकते हो रनिंग का बटन भी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, मैं जैसे नीचे कूदा
तो गाइस मैं ये क्लिप आप दोबारा देखो, मैं कूदा और फिर उसके बाद मैं नॉर्मल हो गया, लेकिन उसके पहले आप देख सकते हो यहाँ पर मैं जबरदस्ती यार जंप करके कूद गया था। इसका आप इस्तेमाल सही से करोगे, आप जंप करके मत कूदना तो आप इसका इस्तेमाल देर तक कर पाओगे। तो यार ये हमारी लास्ट टिप्स है, ये टिप्स नहीं कह सकते इसको, एक तरीके से आपका एंटरटेनमेंट कह सकते हो। एकदम हवा में एयर ड्रॉप को आप एकदम मंगवा सकते हो। कैसे? आपको नीचे ग्लू वॉल लगा देनी है 3-4, और उसके बाद एयर ड्रॉप आएगा, उसके ऊपर गिर जाएगा, फिर ग्लू वॉल आपको फोड़ देनी है। बहुत ही अलग तरीके का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको, हवा में जो है आपका ये जो ये देखने को मिल जाएगा एयर ड्रॉप, वो बंदे भी चौंक जाएंगे। तो यार वीडियो यहीं तक था, अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। तब तक की बाय बाय, जय हिंद जय भारत। Life that got in, oh so dark, oh so dark. A life that falls apart, my heart been torn apart. I've been torn apart. I'm a fucking loner and I stayed away for life. I'll probably never change, even though I like to. Even though I like to, I'll probably never change for nothing, my dear. All my insecurities holding me near. Probably never change for nothing, my dear. All my insecurities holding me near. But I've been working oh so hard.